मेरे पास अच्छी आवाज थी पर अच्छी जिंदगी बिल्कुल भी नहीं थी। मेरे पास रेडियो तक नहीं थी। मैं जब पड़ोस के घर पे जाकर रेडियो में पहली बार मोहम्मद रफी की आवाज सुनी तब मेरा मन मग्न हो गया। दोस्तों ये बोल है युवा दिलों और सभी के धड़कनों पर राज करने वाले उदित नारायण झा के। यह दोस्तों एक बहुत अच्छा सिंगर, एक प्लेबैक सिंगर जो कि आज बहुत ऊपर है, जिनकी की आज कोई तुलना ना कर सकते हैं, ना कर सकता, उनकी मैं बात कर रहा हूँ उदित नारायण की। जहाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में भी मैं बात करने जा रहा हूँ उदित नारायण झा के बारे में। तो चलिए देखते हैं कैसे उन्होंने एक गरीबी से लेकर एक हाई प्लेबैक सिंगर बनने तक का सफर को तय किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी बातें। तो दोस्तों उदित नारायण झा का जन्म 1 दिसंबर 1955 को बिहार के बैसी जिले में एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम हरे कृष्ण झा है जो कि एक किसान है और इनके माता का नाम भुवनेश्वरी देवी झा है जो कि एक गृहिणी थी। और इनके परिवार का आर्थिक स्थिति शुरू से ही ठीक बिल्कुल भी नहीं था। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति शुरू से ही बहुत खराब थी। ये एक कच्चे से मकान में रहते थे, आप लोग वो फोटो जरूर देखा होगा, एक कुटिया जैसे वो घर में वो रहते थे। इनके पास ना तो एंटरटेनमेंट के लिए कोई टीवी थी और ना ही रेडियो। ये एक बार पड़ोसी के घर पे जाकर रेडियो में रफी की आवाज सुने थे तब इनका मन मग्न हो गया। और ये पता है ये मोहम्मद रफी के बहुत बड़े फैन है और आज भी उनके गानों को ये सुनते हैं इतने बड़े सिंगर होने के बावजूद। दोस्तों इनके पिता जो थे हरे कृष्ण झा वो नेपाल से बिलोंग करते थे, यानी कि नेपाल में सप्तरी जिले हैं जहाँ इनका घर पड़ता था। और इनकी माता जो थी भुवनेश्वरी देवी झा वो भारत के बिहार के बैसी जिले से थी और एक नेपाल से थी और एक भारत से, और इसलिए उदित नारायण का ननिहाल बिहार में पड़ता है क्योंकि वहाँ उनकी माता का घर है। और ये बचपन से ही बहुत कम समय के उम्र में ये गाना गाया करते थे और ये पहले से डिसाइड इन्होंने कर लिया था कि मुझे सिंगर ही बनना है। पता है ये रामलीला जो होता है वहाँ जाकर ये गाना गाते थे और गांव में होने वाले छोटे छोटे मेलों में 25 पैसे के लिए only 25 पैसे के लिए ये काम करते थे और वहाँ जाकर अच्छी अच्छी गाने गाते थे। और इनकी आवाज में सुरीला आवाज इनसे इनका पहले से है, इनके आवाज में मिठास बहुत है, इसलिए आज शायद इन्होंने ये बहुत प्रसिद्ध है। और दोस्तों इनके गाने का स्टाइल सबसे अलग है और सबसे अच्छा है। इन्होंने अलका याग्निक जो है एक सिंगर है आप जो जानते हो उनके साथ इन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं। इन्होंने नेपाल के राज विहार स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई को पूरी किया था और इन्होंने काठमांडू रत्नराज लक्ष्मी कैंपस से अपनी 12वीं की पढ़ाई को पूरी की और उसके बाद वे स्कॉलरशिप इनको मिली थी म्यूजिक के लिए और उसके बाद वे मुंबई चले गए। पता है लोगों को लग रहा है कि ये जो इतनी सफलता है इनकी ये आसानी से मिली थी, बिल्कुल गलत। इन्होंने इस काम के लिए इतने ऊपर जाने के लिए 9 साल का संघर्ष किया था, 1-2 साल का नहीं। ये मुंबई जाकर 9 साल तक संघर्ष करते रहे, 1-2-3 साल नहीं, पूरे 9 साल इन्होंने अपने गाने के लिए संघर्ष करते रहे 9 साल तक। और इस समय वे सिर्फ 22 साल के थे और यह बात है 1978 की। और इन्होंने भारतीय विद्याभवन से अपनी म्यूजिक की शिक्षा। और दोस्तों उदित नारायण एक प्लेबैक सिंगर हैं और ये इनके ज्यादातर जो गाने आते हैं वो बॉलीवुड में काम, मतलब बॉलीवुड के गाने रहते हैं या तो फिर वो नेपाली रहते हैं। नेपाली फिल्म के अलावा भी इन्होंने बहुत सारे गानों में काम किया है, जैसे कि नेपाली और हिंदी को छोड़कर इन्होंने कन्नड़, गुजरात, तेलुगु, मराठी, गुजराती, पंजाबी और भी कई सारे गाने में इन्होंने काम किया है। ये 3 बार राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड जीत चुके हैं और 5 बार राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं। 5 बार
और 3 बार। और दोस्तों अभी भी इनके तुलना में पूरे नेपाल में इनके जैसा कोई सिंगर नहीं है। और दोस्तों मुंबई आने के बाद इनको कई सारे फिल्मों में काम करने का मौका मिला, लेकिन उस फिल्म से कहीं पे भी इनका कोई फायदा नहीं हो रहा था, इनका कोई भी ग्रोथ नहीं हो रहा था उन सब फिल्मों से। लेकिन तभी एक फिल्म आई कयामत से कयामत तक। ये जो फिल्म कयामत से कयामत है ये, और दोस्तों इन्होंने 2 शादियां की है। पहली जो की थी वो है रंजना झा के साथ, और दूसरी शादी नेपाली प्लेबैक सिंगर के साथ यानी कि दीपा झा के साथ इन्होंने शादी की। और 9 साल के संघर्ष के बाद बहुत लंबी टाइम में घर की जिम्मेदारी इन पे बढ़ गई थी, इनकी पत्नी गर्भवती हो गई थी, और उसी समय वो फिल्म कयामत से कयामत आई। और इसमें इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था कि इनको सारे गाने उस फिल्म के इनको ही गाने थे, और इन्होंने सारे गाने गा दिए। लेकिन वो फिल्म भी 1 हफ्ते तक पूरा नहीं चल पाया, 1 हफ्ते तक वो फिल्म फ्लॉप रही। और लेकिन दूसरे जैसे ही दूसरे हफ्ते की शुरुआत हुई वो फिल्म कहां से उसमें ग्रोथ आ गया, और वो फिल्म जल्दी जल्दी से सुपर डुपर हिट हो गई, और वह मूवी इनके लिए टर्निंग पॉइंट था। और दोस्तों समझ रहे हैं, उस समय इन्होंने जब मूवी फ्लॉप कर गई तब इन्होंने बोरिया बिस्तर बांधकर घर जाने की बात की कि अब नेपाल में जाकर खेती बाड़ी करूंगा। लेकिन तभी जब वो फिल्म चल गई तब तो इनकी लाइफ बन गई। दोस्तों इसी फिल्म का एक गाना है पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, यह टॉप मोस्ट द फेमस सॉन्ग के लिस्ट में सबसे ऊपर है। इस गाने पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा इस सॉन्ग के लिए उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी दिया गया है। और दोस्तों इसके बाद एक गाने का पोल किया गया, मतलब एक फिल्म था ताल, उसमें इन्होंने गाना गाया था ताल से ताल मिला के। उस गाने पे अगर ऑडियंस ने पोल किया तब वह गाना टॉप मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग के लिस्ट में आया था ताल से ताल मिलाकर। और दोस्तों अगर रियली लाइफ की बात करें तो इन्होंने पहले काठमांडू की दूरदर्शन पे रेडियो स्टेशन पे काम किया करते थे, और वहाँ इनकी सैलरी भी बहुत कम थी। और उसके बाद इन्होंने फर्स्ट अपनी फिल्म की शुरुआत एक नेपाली मूवी थी सिंदूर, उस मूवी से इन्होंने अपनी शुरुआती स्टार्ट की थी फिल्म करियर की। और दोस्तों ये नेपाल की आकाशवाणी पे काम किया करते थे। उसके बाद इन्होंने फर्स्ट काठमांडू में 1970 में काठमांडू के एज अ स्टाफ इन्होंने काठमांडू रेडियो शो पर काम किया था एज अ स्टाफ। और दोस्तों इनको पहली बार फिल्म में लाने का यानी कि ब्रेक करने का जो श्रेय जाता है वो है वो जाता है राजेश रोशन को। और इसके बाद ही उन्होंने अपने आइडियल अपने इंस्पिरेशन उनके साथ वो मिले थे। और उस मूवी की नाम थी 1920, राजेश रोशन की जो मूवी थी वो मूवी के नाम थी 1920। और इसके बाद उन्होंने कई निर्देश फिल्म पॉपुलर निर्देशक के साथ भी काम किया इस फिल्म के बाद, जैसे आर डी बर्मन, ए आर रहमान, जगजीत सिंह, विशाल भरद्वाज आदि संगीतकारों के साथ इन्होंने बहुत दिनों तक काम किया है। और दोस्तों ये गाने के साथ साथ इन्होंने 2 नेपाली फिल्मों में भी काम किया है। पहली का नाम है कश्मीर रुमाल और दूसरा है प्रीति। और दोस्तों जो कश्मीर रुमाल है यह फिल्म बहुत सुपर डुपर चली है और आज भी शायद चल रही है। 25 हफ्तों तक ये सुपर डुपर हिट थी यह फिल्म कश्मीर रुमाल। और दोस्तों अगर इनकी बात करें उपलब्धि की तो इन्होंने 3 बार राष्ट्रीय नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता है और 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीता है। और ये 2009 में पद्मश्री का अवार्ड भारत सरकार के द्वारा दिया गया था इनको, और फिर से 2016 में इनको भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण का अवार्ड भी दिया गया है इनको। और दोस्तों इन्होंने अपनी पहली नेपाली एल्बम 2004 में अपनी पत्नी दीपा नारायण के साथ बनाया था, और उस एल्बम में बहुत सारे सॉन्ग दीपा नारायण की भी है। और यह फिल्म और यह एल्बम 2004 में बनाई गई थी। और दोस्तों उस एल्बम का नाम था उपहार, जिसे अपनी पत्नी के साथ उन्होंने बनाया था। और दोस्तों जो मैंने बताया कश्मीर रुमाल 1985 की मूवी है और 1985 में यह रिलीज हुई थी यह फिल्म। और दोस्तों उदित नारायण के बहुत सारे ऐसे भी एल्बम है जिनके अकेले का है, जैसे भजन बाटका, भजन संगम, लव इज लाइफ, लव इज टू, ऐसे करके बहुत इनके अकेले का एल्बम भी इनका है।
और दोस्तों 90 के दशक में बहुत कम ऐसे सिंगर का नाम आता था, लेकिन उसमें उदित नारायण जी का भी नाम आता था। और दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूं, मैं हमेशा उनके गाने सुनता हूं, और मुझे सबसे उनकी अच्छी गाना लगती है ए मेरे हमसफर, जो कि क्यामत से क्यामत तक की गाना है। ए मेरे हमसफर एक जरा सी उम्मीद, वो गाना मुझे बहुत अच्छी लगती है। और बाकी है भी, ऐसी बात नहीं है कि अच्छी लगती है, है भी गाना। और ये इन्होंने बहुत सारे भारत के बाहर भी कई सारे स्टेज शो लाइव प्रोग्राम भी किया है। और दोस्तों इन्होंने 30 से 30 भाषाओं में 25,000 गाने से ऊपर गाने ये गा चुके हैं। और दोस्तों इनकी अगर बात करूं तो ये बहुत ही मिलनसार स्वभाव के, ऐसा नहीं कि क्रोध या कुछ भी, मतलब बहुत अच्छे स्वभाव के हैं ये। एक स्टैंडर्ड आदमी नहीं मानते बल्कि एक इंसान मानते हैं, कुछ बन गए ऐसा ये नहीं मानते, बस एक इंसान मानते हैं। इनका स्वभाव बहुत ही मिलनसार स्वभाव के हैं ये। और दोस्तों एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये ऐसा नहीं सोचते कि मैंने तो 25,000 गाने गा दिए तो इस गाने को मैं उतना ध्यान नहीं, उस गाने में पूरा ध्यान लगाकर गाते हैं। ऐसा नहीं कि 25,000 गा लिए तो अब कैसे भी गा लेना, नहीं, उस गाने में पूरा श्रेय का श्रेय जैसे गाना चाहिए वैसे ही गाते हैं, थोड़ा सा भी कोई मिस्टेक नहीं। जब पूरा गाना सिर्फ करना है तो अच्छे से कंप्लीट करना है, ऐसे नहीं कि सिर्फ कंप्लीट कर लेना, और ये बहुत ध्यान देकर उस काम को करते हैं। तो दोस्तों आज की बातें यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एक और छोटे साथ। आशा करता हूँ आपको इनका ये बायोग्राफी अच्छा लगा होगा। दोस्तों इन्होंने बहुत स्ट्रगल की है अपने लाइफ में तब जाकर कुछ बने हैं। और उनको दोस्तों इनके बेटे का नाम आदित्य नारायण है, जो कि एक अच्छे सिंगर है, प्लेबैक सिंगर वो भी है, वो भी बहुत सारे स्टेज शो प्रोग्राम किए हैं। और दोस्तों आदित्य नारायण एक सिंगर के साथ साथ एक एंकर भी है, जो कि पहले सारे गांवों पर में भी काम करते थे, शायद अभी भी करते होंगे, आई डोंट माइंड, बट सो इनकी लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल रही। 9 साल तक इन्होंने मुंबई में जाकर स्ट्रगल किया है, मुंबई में जाकर 9 साल तक ये भटकते रहे। इनको फिल्म तो बहुत सारे मिले, लेकिन इनको कहीं पे भी सफलता जैसे मिलनी चाहिए वैसे नहीं मिले। सो दोस्तों आशा करता हूँ आपने इनकी बायोग्राफी से कुछ ना कुछ लेसन ली होगी। और सो मिलते हैं इन और अच्छे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।